नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार से लगातार टकराव के कारण डाक कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन में जुटे हुए हैं। एक बार फिर डाक कर्मचारियों ने आंदोलन करते हुए अपनी बात रखी। बुधवार को छतरपुर के तमाम डाक कर्मचारी सड़क पर उतरे और सरकार से विभिन्न मुद्दों को लेकर अपने टकराव की बात बताई। इसमें पुरानी पेंशन प्रक्रिया को खत्म कर नई प्रक्रिया शुरू करने का विरोध किया गया। साथ ही सरकार के कई काम ऐसे हैं जो बिना प्रशिक्षण के डाक कर्मचारियों से कराए जा रहे हैं, उनका भी विरोध किया गया। डाक कर्मचारियों ने बताया कि वो बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले लोगों से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बैंकिंग कर्मचारियों की तरह अवकाश का लाभ नहीं मिलता। कर्मचारी एकता, पुरानी पेंशन लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, जीडीएस को बंद करो, जीडीएस को बंद करो, आउटसोर्सिंग बंद करो। मैं यहाँ प्रधान डाक छतरपुर में मनोज सिंह चौहान यहाँ के संभागीय सचिव बोल रहा हूँ। और जो ये हड़ताल हम लोगों की है, सरकार से कुछ मांगों को लेकर के हड़ताल है। जैसे हम लोग को CSI, RICTC, IPBB, CBS के ऐसे काम कराए जा रहे हैं जिनकी ट्रेनिंग हम लोग को प्रॉपर नहीं दी गई। कुछ लोगों की ट्रेनिंग दी गई, लेकिन ट्रेनिंग के नाम पर 2-4 दिन दी गई है और प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है। और काम जबरदस्ती के थोपे जा रहे हैं, नए नए प्रकार के काम दिए जा रहे हैं। तो इस काम को या तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए या फिर काम पुराने ढंग से अपने कराया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि बैंक में, LIC में, सभी जगह 5-day week हो गया है, लेकिन हम लोग यहाँ अभी तक ये नहीं हुआ है। क्योंकि जितने बैंक काम करती है उससे ज़्यादा काम हम करते हैं। उनके पास टाइप ऑफ वर्क एक है, उनको पैसा जमा करना निकालना है, जबकि अगर हमारे पास काउंट करेंगे तो टाइप्स ऑफ वर्क बहुत सारे हैं। कम से कम 38 प्रकार के काम हम लोग एक साथ करते हैं, सबकी रिपोर्ट भेजते हैं। तो इन सब बातों को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया है। एक हम लोग यहाँ MACP कहलाता है, जो प्रमोशन के लिए अब अधिकारियों को एक छूट दे दी गई कि जिसको चाहे उसको नंबर दे सकते हैं और जिसको चाहे नंबर कम दे सकते हैं। तो MACP बेंचमार्क है, इसको हम लोग हटाने का भी किया कि भाई जिसको अधिकारी चाहते हैं, मानते हैं, तो उनको तो नंबर दे देते हैं, लेकिन किसी कारण से कोई व्यक्ति या कोई हमारा कर्मचारी अधिकारी के करीब नहीं होता है तो उसको नंबर कम दे करके उनको इस प्रमोशन से वंचित रखते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे हम लोग यहाँ जो पोस्टमैन कैश ले जाते हैं उनके लिए सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती, जबकि बैंक में या अन्य किसी फाइनेंशियल संस्थान में कैश का इंश्योरेंस होता है या उनके साथ गार्ड होता है। लेकिन हमारे यहाँ करोड़ों रुपये का कैश जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से या हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से उसके साथ सुरक्षा नहीं होती। तो इन बातों को लेकर के हमने और हमारे पूरे मध्य प्रदेश और पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका प्रदर्शन किया गया। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं, क्योंकि ये मांगे ऐसी है जो कहीं नाजायज नहीं, हम लोग जायज़ मांगे कर रहे हैं। हम लोगों ने जो कुछ भी इसमें कहा है या हम लोगों ने उनको भी ज्ञापन दिया है माननीय संचार मंत्री जी को, तो ये सब ऐसी बातें हैं जो मानने लायक है और उन्हें मान लेना चाहिए। लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगर ये जल्दी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी हम लोग जा सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अपने आसपास की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पब्लिक टाइम। छतरपुर की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार। गहोई सेल्स एंड सर्विस में आकर्षक एक्सचेंज ऑफर के साथ आपको मिलेंगे कैंट, नसाका, यूरेका फोर्ब्स, एक्वागार्ड, टाटा स्वच्छ और यूनिलीवर प्योरिट के अलावा ल्यूमिनस बैटरी, हेवल्स, पद्मनी अप्लायंस, बजाज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सिंफनी, उषा, सेलो और इसके अलावा टेलीविजन रेंज में टाटा स्काई, HD वीडियोकॉन, T2H और डिश टीवी की सुविधा, साथ ही साथ वी गार्ड और फिलिप्स के भी उत्पाद। भीषण गर्मी में राहत पाने के लिए कूलर और AC की समस्त रेंज हमारे पास उपलब्ध है। डाइकिन AC की परचेजिंग और सेल्स एंड सर्विस की सुविधा भी अब हमारे यहाँ उपलब्ध। तो आज ही आए गहोई सेल्स एंड सर्विस, कांग्रेस कार्यालय के सामने, छत्रसाल चौक, छतरपुर।